ओम शांति। 6 अप्रैल साकार मोली नीचे बच्चे बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सत्यु की राजधानी में कभी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइस मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ कोई कैप्टन कोई क्या बनते हैं। राजाई भी माला में भी कोई साहूकार प्रजा कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती, उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप के श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। यह भी जानते हो न मन न चित था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर अचल घर गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हो, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार, वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले चली थी, उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो पूजा करते हो कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है, जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है, जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है, ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सत्व प्रदान होती है, भक्ति भी पहले सत्व प्रदान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है,
बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है, अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए, तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए। जो तुम सदैव बहलते रहते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं, मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नर्क को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी है, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की, बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। यह है डेड साइलेंस, तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, अब कलयुग भी है संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है, नाम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। यह है बाप की याद, याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है माशुक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है, भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें अनेक मत हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वह है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना, मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते, कितनी भूल की है। यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है फिर प्राय लोप हो जाती है।
चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के है ना, यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है, यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है, क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं, यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनको रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं, कितना ओना चिंता रहता है। यहाँ कोई भी ओना नहीं, जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ ईश्वरी परिवार है, शांति धाम में भाई भाई रहते हैं। यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्याभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। ततत्वम, एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं। मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा, शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए। यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित
बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। विस्तार, बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.